Hello friends, today we will discuss about the 10 very important MCQs from Phylum Arthropoda, and which we will discuss about the different structures and species of Phylum Arthropoda. So the first MCQ is an arthropods. This is complete, यानी आर्थ्रोपोड्स के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं, जिसमें ए ऑप्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम, बी है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, सी है डाइजेस्टिव सिस्टम, डी है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जो आर्थ्रोपोड के अंदर कंप्लीट है? तो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये आर्थ्रोपोड के अंदर कंप्लीट होता है. उसके बाद जो सेकंड एमसीक्यू है वो है द पेरीप्लेनेटा बिलोंग्स टू विच ऑफ दिस पैला. पेरीप्लेनेटा एक जीनस है, ये किस पैलम के अंदर पाया जाता है? तो पेरीप्लेनेटा जीनस पाया जाता है आर्थ्रोपोडा के अंदर. द डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. ऑप्शन एमसीक्यू नंबर थर्ड है द लेब्रम एंड कॉकरोच इज अटैच्ड टू द हेड कैप्सूल थ्रू द मीन्स ऑफ. तो जो लेब्रम है, लेब्रम को हम कॉकरोचेस के अंदर अपर लिप भी बोलते हैं. ये माउथ का पार्ट है, ये फूड को होल्ड करता है. तो ये जो हेड के साथ कनेक्ट है वो किसके थ्रू कनेक्ट है? तो ऑप्शंस आर ए Clypeus, B Ginas, C Frons, and D all of the above. So the option A is correct. Clypeus is the correct option here. MCQ number 4 है the characteristics of pronounced sepalization seen in. यानी sepalization जो है ये किस पैलम के अंदर पाया जाता है? Pronounced sepalization किसके अंदर पाया जाता है? तो the options are A Arthropoda, B Mollusca, C Annelida, and D Echinoderms. तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा. अब सिपलाइजेशन किसको कहते हैं? मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. सिपलाइजेशन इज एन इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन विच ओवर मेनी जनरेशंस द माउथ, सेंस ऑर्गन्स एंड नर्व गैंग्लिया बिकम कंसंट्रेटेड एट द फ्रंट एंड ऑफ द एनिमल. तो जो एनिमल का जो फ्रंट हेड होता है, फ्रंट पोर्शन होता है हेड का, तो वहाँ पे सेंस ऑर्गन्स, माउथ, गैंग्लियाज वगैरह जो है कलेक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं, और वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं सिपलाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है. तो ये जो है ये आर्थ्रोपोड के अंदर पाया जाता है. एमसीक्यू नंबर फिफ्थ है दिस इज द बेसिक यूनिट एंड द आई ऑफ इंसेक्ट आर कॉकरोच. तो इंसेक्ट के अंदर या कॉकरोच के अंदर कौन सी आई पाई जाती है, कौन सी, मतलब उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो है कॉर्नियल फेसेट, बी है ओमाटीडियम, सी है रेबडूम, एंड डी है रेटिना. तो जो कॉकरोच या इंसेक्ट के अंदर जो आई पाई जाती है अगर मौजूद हो तो वो है ओमाटीडियम. ओमाटीडियम ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओमाटीडियम किस किस्म की आई को कहते हैं? तो ओमाटीडिया इज आल्सो कॉल्ड कंपाउंड आईज. वो आई जो कंपाउंड हो, मतलब जिसमें बहुत सारे लेंस मौजूद हो, जो बहुत सारे एट अ टाइम बहुत सारे इमेजेस को बनाती हो. तो इट इज मेड अप ऑफ पिगमेंटेड फोटोरिसेप्टर सेल्स. दीज आर प्रेजेंट एज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स. ईच ओमाटीडिया कंपोनेंट क्रिएट्स एन इमेज. तो जितने ओमाटीडियाज मौजूद है सब अलग अलग इमेज को बनाएंगे और आखिर में कंबाइन इमेज से बनेगा. तो इसको हम कहते हैं ओमाटीडिया. कंपाउंड आई को हम बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में ओमाटीडिया. एमसीक्यू नंबर सिक्स्थ है वो है दिस इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन हाउस फ्लाई, एनोफिलीज एंड कॉकरोचेस. तो हाउस फ्लाई, एनोफिलीज एंड कॉकरोचेस के अंदर क्या चीज, कौन सा फैक्टर जो है वो कॉमन है? तो इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो है ए 3 पेयर ऑफ लेग्स. यानी कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज और एनोफिलीज के अंदर जो लेग्स है वो 3 पेयर से बने होते हैं. उसके बाद है 7 नंबर पिक द कॉमन ट्रेट एंड ट्रेट्स बेड बग्स, मॉस्किटोज एंड लीचेस. रेट्स, बेड बग्स और मॉस्किटोज, लीचेस के अंदर कौन सा फैक्टर है, कौन सा ट्रेट है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कॉमन है? तो ऑल दीज है असेक्सुअल पेज. सब के अंदर एक सेक्सुअल पेज पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मॉस्किटो में स्पेसिफिकली एनोफिलिस मॉस्किटो का एग्जाम्पल दूं तो उनके अंदर जो है स्पोरोजाइट्स बनते हैं, मेरोजाइट्स बनते हैं. तो जो स्पोरोजाइट्स है वो इसका सेक्सुअल फेज है. तो मतलब इन सब के अंदर एक सेक्सुअल फेज पाया जाता है. तो अब एमसीक्यू नंबर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ऑल दीज हैव अ सेक्सुअल फेज. उसके बाद जो 8 नंबर है वो है ट्रू एंड. यहाँ पे एंड है, ट्रू एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन. मेटामॉर्फोसिस जो है वो शेडिंग होता है, मतलब मोल्टिंग होता है. मतलब जो फॉर एग्जांपल आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो जब ये फ्रॉग बनता है तो फ्रॉग की जो मतलब लार्वल स्टेजेस है उसमें एक स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं टेडपोल स्टेज. उस स्टेज में उसके अंदर जो है टेल मौजूद होता है. अगर हम अपने इंसानों के बारे में डिस्कस करें तो हमारे फिंगर्स के बीच जो है विब मौजूद होता है. तो ये सब खत्म होते हैं, मतलब कुछ पैदाइश के बाद खत्म हो जाते हैं, कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस में खत्म हो जाते हैं जब बच्चा अपने मदर की बॉडी में बन रहा होता है. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बॉडी से ख़त्म हो जाए, उसकी एपोप्टोसिस हो जाए, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाए, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ट्रू एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस जानदार के अंदर पाए जाते हैं? तो द ऑप्शन आर सिल्वरफिश, ग्रासहॉपर, कॉकरोच, मॉथ एंड मॉस्कीटो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, मॉथ एंड मॉस्कीटो के अंदर जो है कंप्लीट एंड ट्रू मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। उसके बाद है टू व्यू द हीमोसील यू वुड पिक दिस एनिमल, यानी हीमोसील किस जानदार के अंदर मौजूद है, सिंपल अल्फाज में ये आपसे पूछा गया है। तो हीमोसील जो है हम किसे कहते हैं, हीमोसील मैं आपको बता दूं जरा, हीमोसील जो है वो जानदार, वो ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो, यानी जिसका जो ब्लड है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो, मतलब उसका ब्लड जो है वो रगों में, वेसल्स में ना हो, मतलब ओपनली सीलोम में, मतलब वो सर्कुलेट करता है। तो इस किस्म के ब्लड को हम बोलते हैं हीमोसेलिक ब्लड। तो हीमोसेलिक ब्लड किस जानदार के अंदर पाया जाता है, किस एनिमल के अंदर पाया जाता है? तो द करेक्ट ऑप्शन है स्कोलोपेंड्रा। स्कोलोपेंड्रा के अंदर जो है वो हीमोसेलिक ब्लड होता है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है, In cockroach, the sphericals are found in. cockroaches में sphericals कितने नंबर में मौजूद है, कितने पेयर्स में मौजूद है? तो ऑप्शंस आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो उसमें है सी नंबर, यानी थोरिक्स के अंदर 2 पेयर्स में स्फेरिकल्स मौजूद होते हैं और एब्डोमिनल रीजन में 8 पेयर्स में स्फेरिकल्स मौजूद होते हैं, यानी टोटली 10 पेयर्स मौजूद होते हैं स्फेरिकल्स के। अब ये स्फेरिकल है क्या, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। स्फेरिकल्स आर द एक्सटर्नल ओपनिंग हैविंग ट्यूब्यूल्स। ये जो है स्फेरिकल्स एक्सटर्नल ओपनिंग है, जो एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद होता है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, ये ओपनिंग है और इसका फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज करना। यानी जब कॉकरोचेस जब एनवायरनमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, तो वो थ्रू स्फेरिकल जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं और वो उसके अंदर 10 पेयर्स में मौजूद है। 2 कॉकरोच के थोरैक्स रीजन में मौजूद होते हैं और 8 जो है वो उसके एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है।